हेलो गाइस, दिस इज़ टेक कबाड़ और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं MI TV 4A Pro का। चलो चलते हैं, इसका इंट्रो भी देख लेते हैं। देखिए देखते हैं, ये 32 इंच का स्क्रीन है जो कि काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वाड कोर एम लॉजिक कॉर्टेक्स A53 प्रोसेसर लगा हुआ है। उसमें माली MP3 GPU है, 450 है माली 450, जो कि काफ़ी फास्ट है। और 1 GB रैम है इसमें और 8 GB इंटरनल स्टोरेज है। उसमें आपको 3 GB मिल जाता है यूजर्स के लिए, बाकी सब OS खा जाता है इसका। और इसके पोर्ट की बात करें तो देखते हैं इसमें कितने पोर्ट हैं। ये बाजू से एकदम स्लिम दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके स्टैंड भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्टडी है, एकदम काफ़ी स्ट्रांग है, जैसा कि देख सकते हैं। पोर्ट की बात करें तो इसमें ऑडियो वीडियो पोर्ट है, जैसा कि देख सकते हैं ऑडियो वीडियो पोर्ट लगा हुआ है। एक ईथरनेट पोर्ट है और इसमें 3 HDMI पोर्ट है और 2 USB पोर्ट, और ये एंटीना के लिए, और ये 3.5 mm ऑडियो जैक के लिए है जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वूफर वगैरह। और नीचे में आपको 2 स्पीकर मिलते हैं जो कि 10 वाट्स के स्पीकर हैं, जो कि काफ़ी बूम साउंड देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी स्लिम है और पोर्ट भी काफ़ी अच्छे जगह लगे हुए हैं। ये स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। देखिए एज इसका काफ़ी अच्छा है, मिनिमम बेजल है, बेजल काफ़ी कम है। और ये MI लोगो नीचे है। यहाँ पर एक LED है जिसे पता चलता है कि चालू हो रहा है या बंद हो रहा है। चलो अब इसके रिमोट की बात करें। इसके रिमोट में देख सकते हैं ये काफ़ी मिनिमल डिज़ाइन है, छोटा सा है, प्लस माइनस है। ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो जाता है। इसमें पेंसिल सेल लगता है 2, जैसे देख सकते हैं। नेविगेशन बटन है, MI लोगो इसमें भी है, बैक बटन, मेनू, काफ़ी मिनिमल डिज़ाइन है। और इसमें वॉइस सर्च भी है, वॉइस असिस्टेंट, जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और ये इसका माइक है जिससे वो रिसीव करता है आवाज़ को। इसका हम डेमो भी देखते हैं, तो चलो चलते हैं बैक टू द स्क्रीन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेच वाल है, पेच वाल OS, इसमें OS 9 आ गया है अभी, जिसमें आपको नेटफ्लिक्स वगैरह मिल जाता है। देखते हैं डेमो। हेलो बॉयज, गुड डे, दैट्स हेलो इन ऑस्ट्रेलियन, हाउ कैन आई हेल्प? What's the weather? Right now in Indore it's 28 and mostly cloudy. Today there'll be scattered thunderstorms with a forecast high of 28 and a low of 23. Due to the current humidity, it feels like it's 32. चलिए अब स्क्रीन की बात करते हैं। ये IPS की तरह है, IPS स्क्रीन है, सभी एंगल से देखा जा सकता है। इसका एंगल डिग्री है 178 डिग्री से, आप इसे क्लियरली देख सकते हैं, चाहे ऊपर से हो, नीचे से हो, या फिर बाएं से हो, या फिर दाएं से हो, काफ़ी अच्छे दिखते हैं, जैसे कि आपको डेमो में दिख रहा होगा। हर डायरेक्शन से काफ़ी अच्छा दिखता है, कलर प्रोडक्शन अच्छा है, जो कि हम देख रहा है।
इसमें हम यूआई के बारे में बात करते हैं। काफ़ी सिंपल यूआई है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। नेविगेशन बटन से आप नेविगेट कर सकते हैं ऐप्स के बीच में। इसमें आपको यूट्यूब वगैरह मिल जाता है, प्ले स्टोर से आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो दिख रहा है आपको। यूट्यूब वगैरह भी हैं जैसे कि देख सकते हैं। यह है गूगल प्ले, गूगल प्ले स्टोर है। इसमें ज़्यादा ऐप्स आपको नहीं मिलेंगे जो आपको मोबाइल में मिलते हैं। इसमें बस थोड़े बहुत गेम, थोड़े बहुत स्ट्रीमिंग सर्विस, बस वही मिलेंगे, वीडियो प्लेयर वगैरह, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं टेड वगैरह है, टेड मूवी वगैरह है, ब्लूमबर्ग, सब स्ट्रीमिंग सर्विस है। हम तो जानते हैं टीवी है तो स्ट्रीमिंग सर्विस होगा ही। जैसे कि देख सकते हैं हॉटस्टार भी है इसमें, अल्ट बालाजी, जी फाइव सब है। और टाइपिंग के लिए इसमें इसका अलग से कीबोर्ड खुलता है टाइपिंग के लिए, जो कि काफ़ी हेक्टिक है, लेकिन वॉइस सर्च से आप करेंगे तो ये अच्छा है। तो देखिए आपको इसमें डेलीमोशन वगैरह सब है जो ज़रूरी ऐप्स हैं। इसमें नेटफ्लिक्स भी आ गया है, नेटफ्लिक्स भी चलता है इसमें। सेटिंग में देखिए, टूल्स में ये कुछ है, मगर ये उतना यूज़ेबल नहीं है आपके लिए। नॉर्मल यूजर के लिए ये कुछ काम नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन ऐप्स का। तो अब हम इसके वीडियो क्वालिटी की बात करेंगे कि इसमें कलर्स प्रोडक्शन कैसा दिखता है। तो चलिए चलते हैं, इसमें हम कुछ ग्राफिक्स दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कलर प्रोडक्शन इसका कैसा है। ये नॉन कॉपीराइट है, ग्राफिक्स है, काफ़ी अच्छा है, ग्राफिक्स भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम वीडियो भी चलाकर दिखाएंगे। तो देखिए इसमें फुल एचडी नहीं आ रहा है, तब भी देख लेते हैं एचडी में। ग्राफिक्स तो अच्छे हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कूल है ग्राफिक्स। और फास्ट ग्राफिक्स देखते हैं एक बार कि ये कैसा चलता है। रिफ्रेश रेट तो आपको पता होगा 60 हर्ट्ज रहता है इसका। जैसा कि आपको दिख रहा है ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा हैंडल है, कलर्स अच्छे हैं, कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब आपको वीडियो चलाकर दिखाते हैं, इससे आपको वॉइस का भी पता चल जाएगा फुल एचडी में। मेरा ही वीडियो है ये। अब आपको इसके साउंड क्वालिटी कैसा है, इसलिए आपको साउंड क्वालिटी भी बताते हैं, जो कि नॉन कॉपीराइट साउंड है। इसमें आपको वोकल्स भी पता चल जाएगा, ट्रिबल और बेस भी।
लिया आपने, काफ़ी अच्छा है साउंड क्वालिटी। इसका यूआई की बात करें तो आपका पेच वाल है ओवर 9 एंड्रॉइड वर्जन, जैसा कि आप देख सकते हैं यूआई काफ़ी सिंपल है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स पर आप लिख कर बता दीजिएगा, जिससे मैं आंसर कर पाऊँ उन जवाबों का, है ना। तो चलते हैं फिर, ये आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा 12,500 में। मैंने इसे तो ऑफलाइन स्टोर से लिया था 12,500 में, वो लोग खुद लगा कर गए इसको बिना फीस के। लेकिन अगर आप इसको वॉल माउंट करते हैं तो इसमें 300-400 अलग से देना पड़ता है उनको, वॉल माउंट का प्राइस है। लेकिन वॉल माउंट मैं नहीं करवाया, मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है डेस्क में रखा हुआ। वॉल माउंट कराने आप कराना चाहते हैं तो वॉल माउंट करा सकते हैं, उसके लिए आपको स्टैंड लगेगा, जो कि स्टैंड का प्राइस अप्रॉक्सी 300-400 है, जो कि वो लगा देते हैं। सर्विस काफ़ी अच्छी है इसकी, जैसे कि आपको पता चला गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर देना, हम लोग वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं करोगे तो आपकी मर्ज़ी है, है ना। आप लोग का धन्यवाद इसे देखने के लिए। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, ओके बाय।